खबर रायपुर से है, जहां वन कर्मचारी संघ दो सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। कर्मचारियों की मांग है कि जो 10 सालों से कार्यरत है उन्हें परमानेंट किया जाए। इसके अलावा जिसने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया दैनिक वेतन भोगी उन्हें भी अस्थायी नियुक्ति दी जाए। यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया तो आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इन कर्मचारियों से बातचीत की संवाददाता दामिनी बंजारे ने। वन कर्मचारी जो है वो अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आज से अनिश्चित हड़ताल पर बैठ चुकी है। क्या कुछ इनकी कहना है, क्या कुछ इनकी मांगे, हम इन्हीं की ओर सीधे लेके चलते हैं। सर, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है, किस लिए आप धरना दे रहे हैं? हमारी जो मुख्य मांगे है नियमितीकरण एवं स्थायीकरण। जो 10 साल कार्य कर चुके हैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उनकी नियमितीकरण किया जाए, और जो विगत 2 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उसको स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण किया जाए। ये 2 सूत्री मांगों को लेकर आज जो है वन विभाग के पूरा 6,500 दैनिक वेतनभोगी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपने सत्ता में आने के पूर्व जन घोषणा पत्र में वादा किया हुआ था कि हमारी सत्ता जैसे ही आती है तो हम 10 दिनों के अंदर अपनी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे करके, लेकिन आज 4 साल बीत गया है, नियमितीकरण नहीं किया गया है। और राय लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए, सहमति लेने के लिए महाधिवक्ता के पास फाइल भेजकर दैनिक वेतनभोगी को कर्मचारी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सर, आप लोग जैसे हड़ताल पर बैठेंगे, प्रभाव तो सीधा कार्य क्षेत्र में होगा, क्या कुछ कहना है? प्रभाव बिल्कुल कार्य क्षेत्र में प्रभाव होगा। हमारे जंगल सफारी पूरा बंद है, अधिकारियों के बंगले में जो कार्यरत हैं कुक पूरा बंद है, वाहन चालक पूरा काम बंद किए हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर पूरा काम बंद किए हैं। मतलब आज जिस प्रकार से हड़ताल में बैठे हुए हैं तो पूरा वन विभाग के कार्य ठप है। कैमरा मैन अखिलेश इसके साथ दामिनी बंजारे, बंसा न्यूज़, रायपुर।